तो हेलो दोस्तों, 2027 का विश्व कप के लिए अजय तगरकर ने तय कर लिए 15 नाम। 2023 वर्ल्ड कप वाले सिर्फ 6 खिलाड़ी शामिल। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भाग लिया है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और टीम का सफर फाइनल तक रहा, लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। टूर्नामेंट में टीम इंडिया की तरफ से भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब वर्ल्ड कप का आयोजन साल 2027 में किया जाएगा और इस टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया संयुक्त रूप से करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कई सूत्रों के माध्यम से इस बात का भी खुलासा किया गया था कि बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने आगामी वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कुछ खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में भी भाग लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीम इंडिया को साल 2027 में वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भाग लेना है और इस टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट टीम में उन चुनिंदा खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है जिन्होंने साल 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर आगामी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों का चयन हालिया फॉर्म के आधार पर किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीसीसीआई की मैनेजमेंट सिर्फ इन्हीं 6 खिलाड़ियों को मौका देने के बारे में विचार कर सकती है। अगर इस वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन करना जारी रखते हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, रियान प्राग जैसे खिलाड़ियों का चयन कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।